नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वन क्लिक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो में हम जानेंगे RSCIIT कोर्स के बारे में, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी फीस है और इसके सिलेबस क्या है और किस लिए ये उपयोगी है, इन सभी बातों के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट कंप्यूटर कोर्स है, राजस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स है। अब देखिए जो RSCIIT कोर्स है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात करें तो राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ये RKCL द्वारा करवाया जाता है। RKCL की फुल फॉर्म क्या है, राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेट लिमिटेड। अब देखिए ये किसके अंडर आता है, ये आता है VMOU के अंदर, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के नीचे आता है ये RKCL। अब अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ है RSCIIT इतना उपयोगी क्यों है। देखिए अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज की बात करें तो अधिकतर गवर्नमेंट वैकेंसीज में इसको RSCIIT कोर्स को मांगा जाता है, जैसे पटवारी हुआ, LDC हाई कोर्ट हुआ, RPSC जूनियर अकाउंटेंट हुआ, विद्युत विभाग के अंदर भी इसको अप्लाई किया जाता है। अब देखिए इसके साथ जो राजस्थान SI है इसके अंदर भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चन के अलावा अपने पास राजस्थान में जो सर्विसेज हैं जैसे SSO वगैरह है, राजधारा है, इन सभी के बारे में अपने को पूछा जाता है, वो अपन है RSCIIT के जरिए अपन उसकी नॉलेज ले सकते हैं। अब अगर अपन बात करें तो अपन डेली लाइफ में ये उपयोगी कैसे है, अब वो तो क्या था कि गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए, डेली लाइफ के लिए उपयोगी क्यों है। जैसे अपनी SSO ID है, SSO ID के बारे में जानना हो तो अपन RSCIIT कोर्स करके अपन जान सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे भामाशाह स्कीम हो, राजधारा हो, BSBY क्या है, किस इसका उपयोग कैसे किया जाता है, BRSY और कंप्यूटर ऑपरेटिंग, तो वो तो है ही कि कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है। अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो इसका ड्यूरेशन और फीस कितनी है। अब ड्यूरेशन की बात करें तो 132 घंटे का एक कोर्स है, 3 महीने का कोर्स है। हर दिन 2 घंटे की क्लास लगती है, एक प्रैक्टिकल की क्लास लगती है 1 घंटे और 1 घंटे थ्योरी की। अगर अपन फीस की बात करें तो इसकी फीस है 3350। इसमें देखिए राज्य सरकार के कुछ चुनिंदा पात्र सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके लिए फीस 2700 रुपये है, और इसके अलावा समय समय पर जो RKCL है वो फ्री वोमेन बैच निकालता है जिनके जरिए लड़कियों को फ्री RSCIIT कोर्स करवाया जाता है राजस्थान सरकार के तरफ से। अब देखिए इसके बाद अगर अपन बात करें तो इस कोर्स में क्या क्या आपको मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट, एग्जामिनेशन, ट्रेनिंग, रजिस्ट्रेशन और बुक फीस और सभी प्रकार के टैक्स इंक्लूड करके ये फीस है 3350। इसमें आपको बुक भी मिल जाएगी, आपको इसको कोर्स भी कराया जाएगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस भी आपको नहीं देनी पड़ेगी, टोटल 3350 में सारा सिस्टम आ जाता है। अब देखिए अगर अपन बात करें री एग्जाम की, मान लो आपने फॉर्म भरवाया, एडमिशन लिया RSCIIT में, उसके बाद यदि आप उस एग्जाम में फेल हो जाए तो क्या करें, फेल होने के बाद आपको 3 अटेम्प्ट और मिलेंगे, आपको पूरी 3350 फीस नहीं लगेंगी, आपको री एग्जाम में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 350 रुपये फीस देनी होगी पर अटेम्प्ट की। यदि आप 3 अटेम्प्ट करते हो तो 3 अटेम्प्ट के हिसाब से ये 350 350 350 आपकी फीस हो जाएगी। उसके बाद यदि आप तीनों अटेम्प्ट में भी अगर फेल हो जाते हो तो उसके बाद आपको दोबारा फॉर्म ये अप्लाई करना पड़ता है। अब अगर अपन बात करें तो एलिजिबिलिटी की, कौन कौन इस कोर्स को कर सकता है, इस कोर्स को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, हर वो व्यक्ति कर सकता है जो कंप्यूटर सीखना चाहता है, चाहे वो छोटा बच्चा हो या फिर कोई कर्मचारी हो, कोई जॉब कर रहा हो। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगर अपन बात करें तो सिलेबस की, सिलेबस में कि क्या क्या अपन इस RSCIIT कोर्स के जरिए जान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें तो MS Office के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, गूगल डॉक्यूमेंट, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, विंडोज के बारे में कैसे उसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाता है, कैसे उसको अपडेट किया जाता है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि वायरस से, थ्रेट से अपन अपने सिस्टम को कैसे बचा सकते हैं। इसके अलावा अपन गवर्नमेंट सर्विसेज के बारे में भी जान सकते हैं, जैसे BSBY क्या है, क्या इसका उपयोग है, BRSY, EPDS, राजधारा, RSRTC, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग और ट्रांजेक्शन किस प्रकार किया जाता है, SSO का उपयोग क्या है और किस प्रकार इसका
इस्तेमाल किया जाता है और IRCTC का उपयोग, इन सभी के बारे में अपन इस RSCIT कोर्स के जरिए अपन जान सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सत्य है कि अपन RSCIT का मतलब यही होता है कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इसके आगे अपन कुछ भी सीखना नहीं चाहते। हालांकि RSCIT कोर्स से समय समय पे अपना सिलेबस चेंज करता रहता है, जिसके जरिए जो अभी वर्तमान में जो चल रही है ट्रेंडिंग में जो सर्विसेज है उनको अपडेट, उस हिसाब से अपने कोर्स को अपडेट करता रहता है। लेकिन हम वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के सिवा कुछ भी नहीं सीखते। हम RSCIT का मतलब ही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तक ही सीमित है। इसके अलावा एक और बात है, ये सत्य है कि फीस 3350 है, लेकिन सभी जानते हैं कि कितनी कुछ अपन फीस देते हैं। इसलिए जो सेंटर्स हैं जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है वो पूरा कोर्स से नहीं करा पाते, और इसके अलावा जो भी जिस भी सेंटर में आप एडमिशन ले रहे हो वो राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सेंटर हो, जिसके अंदर आपको 6 डिजिट का जो ITG के कोड मिलता है, उसी सेंटर में आप अपना एडमिशन कराएं। अब देखिए, इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमारा एक प्रयास है जो अपना RSCIT का कोर्स है। RSCIT का संपूर्ण कोर्स हम हमारे जो YouTube चैनल है वन क्लिक इंस्टीट्यूट का, इसके ऊपर अवेलेबल कराएं। आप किसी भी सेंटर में आप एडमिशन ले रखा हो, आपको यदि पूरी जानकारी चाहिए आपको RSCIT की, पूरा आपको कोर्स करना है, तो हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करें। इसके अलावा कोर्स के अलावा जो एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, जिसके जरिए आप एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। और यदि आप सोच रहे हो RSCIT में न्यू एडमिशन के लिए, तो आज ही आपकी स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं उनसे कॉन्टेक्ट करें, या फिर हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस है अपसाइड PNP नियर नंद प्लाजा, स्टेशन रोड, राजगढ़, चूरू, राजस्थान। तो उम्मीद है साथियों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आने वाली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।